ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर पर बसा माता का भवन अनुपम है। माता वैष्णो के संयुक्त नामों से यहां तम, रज और सत गुणों की तीनों देवियां प्रतिष्ठित हैं। माता वैष्णो की महिमा जानने के लिए भक्तों को जम्मू राज्य के कटरा नामक स्थान तक की यात्रा करनी पड़ती है। राजधानी दिल्ली से कटरा की ओर जाने के लिए बस तथा रेल किसी भी मार्ग से जाना पड़ता है। यहां से कटरा लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी भक्तगण बस अथवा निजी वाहन द्वारा कटरा की यात्रा करते हैं। क्यों न आज हम भी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने कटरा की ओर रवाना हो जाएं। तो फिर बोलो जयकारा शेरों वाली। जरा चल करके जम्मू में देखो जय माता दी। जरा चल करके जम्मू में देखो मैया कृपालो ताती मिलेंगी। जरा चल करके जम्मू में देखो मैया कृपालो ताती मिलेंगी। मार्ग में स्थित काल कंडौली को पहला दर्शन माना जाता है। ये सृष्टि का जब रचन हुआ था तो तब से जहां से मां शक्ति महामाया मां कोल कंडौली प्रकट हुई थी 5 साल में, और ये भवन बना पांडवों के टाइम में जब वनवास हुआ उस टाइम से ये बना हुआ भवन है। और जहाँ पे माता जी ने केन को रोग हो कोई भी दूध मांगे पूत मिले, धन मांगे धन मिले, सुख मिले सुख, माँ के भवन के माँ के बच्चे जो भी आते हैं मन इच्छा फल पाते हैं। वैष्णो के द्वार जो आ गया है जो भी चाहा वही पा गया है। रोते 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 बोलिए शेरा वाली मैया की जय। रोते रोते जो दर पे है आया मैया उसको हंसाती मिलेंगी। जरा चल करके जम्मू में देखो मैया कृपा लुटाती मिलेंगी। जरा चल करके जम्मू में देखो। देवा माई दूजा दर्शन है। पहाड़ी पर बने इस भव्य मंदिर का दर्शन कल्याणप्रद है। आइए यहां से कटरा की यात्रा करें। अब हम कटरा आ पहुंचे। कटरा समुद्र तल से लगभग 2500 फुट की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत के चरणों में बसा है। वैष्णो देवी की यात्रा का आधार रूप कटरा को माना जाता है। कटरा
कटरा के टूरिस्ट रिसेप्शन काउंटर से यात्रा पर्ची लेकर सभी भक्तगण पवित्र धाम की ओर रवाना होते हैं। इस धाम के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि जब तक मां की इच्छा ना हो, लाख कोशिशों के बावजूद भक्त माता के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तभी तो कहते हैं, धन दौलत ताकत और वैभव दर पे काम ना आते हैं, वैष्णो माता जिसे बुलाए वही भक्त आ पाते हैं। चलिए नी चलिए चलिए माँ के दरबार चलिए, चलिए नी चलिए चलिए माँ के दरबार चलिए, चलिए नी चलिए चलिए माँ के दरबार चलिए। कटरा से माता का भवन लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर शोभायमान है। माता के इस भवन का निर्माण पांडवों द्वारा हुआ था। यात्री अपनी यात्रा पैदल, खच्चर अथवा पाल कन्या रूप की कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, हंसाली गांव में माता का परम भक्त पंडित श्रीधर नामक एक निसंतान ब्राह्मण निवास करता था। संतान सुख से वंचित होने के कारण वह हमेशा माता के सामने कातर स्वर में प्रार्थना किया करता था। हे मातेश्वरी, हे मां, मुझ पर दया करो मां, कृपा करो मां, कृपा करो मां, मुझ पर संतान का एक छोटा सा मां दान कर दो मातेश्वरी। क्या इस दुनिया से मैं ऐसे ही जाऊंगा? मुझको एक संतान का दान न मिल सकेगा? हे मां, हे मातेश्वरी, संतान का दान दो मां, संतान का दान दो। प्रत्येक दिन दुखी मन से प्रार्थना करने के पश्चात वो कन्या पूजन में लग जाता। एक दिन पूजन के समय अचानक उसकी दृष्टि दिव्य आभा से युक्त बालिका पर पड़ी। भक्त श्रीधर को दर्शन दिया कन्या रूप में, बड़ा ही अलौकिक तेज मां तेरे स्वरूप में, बड़ा ही अलौकिक तेज मां तेरे स्वरूप
हो लाल चोले में सज तू, हो लाल चोले में सज तू माँ दुलारी लागे। श्रीधर, कल तुम्हें सारे गांव वालों को अपने घर आने का निमंत्रण देना होगा। तुम्हारे यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होगा। भंडारा? श्रीधर, वो भी मेरे यहाँ? कन्या के इस आग्रह को सुनकर चकित रह गया। ये तुम भगवान की इच्छा पर छोड़ दो, माता सबका कल्याण करती है, तुम्हारा भी कल्याण करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं माता को शत शत प्रणाम ही कर सकता हूँ। जैसी इच्छा माता की। उसने भंडारा करवाने का निश्चय कर लिया, परंतु उसे यह चिंता सता रही थी कि भंडारे का प्रबंध किस प्रकार होगा, कैसे सब कुछ होगा। वो बालिका तो कहकर चली गई, अब मैं क्या करूं। सबको निमंत्रण भी दे आया हूं, पर अब उन्हें भोजन कैसे कराऊंगा। तभी वह दिव्य कन्या प्रकट हुई। उठो श्रीधर, क्या सोच रहे हो? और उसने श्रीधर को आश्वस्त किया, बाहर लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें बिठाओ, मैं अंदर भोजन का प्रबंध कर रही हूँ। बोलो वैष्णो माई की। भैरवनाथ ने मांस मदिरा की मांग की। मुझे शाकाहारी नहीं मांसाहारी भोजन चाहिए, और वो भी मदिरा के साथ। यहाँ मांसाहारी भोजन नहीं, शाकाहारी एवं शुद्ध भोजन मिलेगा। क्रोध में आकर भैरवनाथ ने दिव्य कन्या को पकड़ना चाहा। दिव्य कन्या अदृश्य हो गई। कहाँ गई? कहाँ गई? मैंने भी अपनी योग साधना से तुम्हारा पता नहीं लगाया। मेरा भी नाम भैरो नहीं भैरो भी अपने योग साधना से कन्या को पकड़ने का निश्चय कर चल पड़ा। कन्या के अदृश्य होने के बाद एक दिन स्वप्न में श्रीधर को माता और उसके दरबार के दर्शन हुए। माता के अलौकिक दरबार का पता सर्वप्रथम श्रीधर को ही हुआ था। तब से आज तक पंडित श्रीधर के वंशज ही माता के दरबार की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। माता की कथा का श्रवण करते करते अब हम दर्शनी दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। दर्शनी दरवाजे से त्रिकूट पर्वत का मनभावन दृश्य दिखाई पड़ता है। त्रिकूट पर्वत की शोभा है प्यारी। कन्या रूपी महाशक्ति जब अदृश्य होकर आगे बढ़ी तो मार्ग में उनके साथ वीर लांगुर भी थे। चलते चलते लांगुर को जब प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा प्रवाहित की। तभी से इसका नाम बाण गंगा पड़ गया। बोले लांगुर मैया बुरा हाल हुआ प्यास में। बोले
से मारा बाण बहे गंगा। ये है बाण गंगा। सुखकारी महासुखकारी तेरी लीला मैया। यह स्थान दर्शनीय दरवाजे से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। कहते हैं इसी जल से देवी ने अपने बाल धोए थे, अतः लोग इसे बाल गंगा भी कहते हैं। इसके पश्चात त्रिकूट पर्वत की कठिन चढ़ाई आरंभ होती है। यहां के प्राकृतिक वैभव देख नैसर्गिक आनंद की अनुभूति होती है। इस अनुपम सौंदर्य की कोई तुलना नहीं है। यहां आकर अशांत मन को परम शांति की प्राप्ति होती है। यात्री चाहे अकेला हो या समूह में, माता की भक्ति में भाव विभोर भक्त जयकारे लगाते लगाते खुशी से झूमते गाते आगे बढ़ते जाते हैं, कहते जाते हैं जय माता दी जय माता दी। ये स्थान है चरण पादुका। कहते हैं जब कन्या रूपी दिव्य शक्ति भैरव से स्वयं को छुड़ाकर आगे बढ़ी थी, तब यहीं आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं भैरवनाथ पीछे तो नहीं है। माता के रुकने से यहां उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए इस स्थान को चरण पादुका कहा जाता है। माता की यात्रा का इसे दूसरा पड़ाव भी कहते हैं। यहां तनिक विश्राम कर माता के जयकारे लगाते भक्तों का समूह पुनः भवन की ओर बढ़ता है। मार्ग में स्थित ये है आदि कुमारी। आदि कुमारी पर महाशक्ति ने 9 माह तक तपस्या की थी। वे इस गुफा में पूरे 9 माह उसी प्रकार रही जिस प्रकार शिशु माता के गर्भ में रहता है। इस गुफा को गर्भजून भी कहते हैं। इस स्थान पर दिव्य कन्या ने छोटी सी गुफा के समीप एक साधु को दर्शन देकर कृतार्थ किया था। भैरवनाथ दिव्य कन्या का पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंचा तो माता ने त्रिशूल से प्रहार किया और अन्य द्वार से बाहर निकल गई। माता वैष्णो के दर्शनार्थ आने वाले थके मांदे यात्री यहां विश्राम करते हैं। भक्तों की सुविधा हेतु यहां निशुल्क कंबल मिलते हैं। आदि कुंवारी के दर्शन करने के बाद फिर एक बार प्राकृतिक वैभव का आनंद लेते हुए पूरे जोश के साथ माता के द्वार की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे भक्तगण ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं, वैसे वैसे नीचे का दृश्य मनोरम होता जाता है। मार्ग के किनारे छोटे छोटे विश्राम ग्रहों में कुछ क्षण आराम करने के पश्चात भक्तगण पुनः माता के दर्शनार्थ चल पड़ते हैं। माता की पूजन सामग्री प्रसाद आदि यहां बनी छोटी बड़ी दुकानों में उपलब्ध हो जाता है। इस भव्य रमणीक शिखर का रूप हाथी के मत्थे की तरह तथा यहां से सीधी ओर दुर्गम चढ़ाई होने के कारण इसे हाथी मत्था कहा जाता है। यह स्थान आदि कुमारी से 2.5 किलोमीटर दूर है। हाथी मत्था की चढ़ाई के पश्चात सभी सांझी छत पहुंचते हैं। यहां से माता के दरबार का मार्ग
सरल एवं सुगम है। पर्वत के ऊपर से नीचे देखने पर अद्भुत दृश्य दिखलाई पड़ता है। बिजली के बल्बों से सजे कटरा को देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने धरती पर भारत के मानचित्र को टिमटिमाते सितारों से सजा रखा हो। और ये है माता वैष्णो देवी का पावन दरबार। मंदिर में प्रवेश के लिए कटरा से प्राप्त यात्री पर्ची देख टोकन बनाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से माता के दरबार में किसी भी वस्तु को लेकर प्रवेश करना वर्जित है। तन मन को पवित्र कर माता के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करते हैं। समुद्र से लगभग 5200 फुट की ऊंचाई पर स्थित माता की पवित्र गुफा में नित्य सनातन और कल्याणकारी मां लक्ष्मी, विद्यावाणी और ज्ञान की देवी सरस्वती तथा परम योगिनी सिद्धि प्रदान करने वाली माता महाकाली के पिंडी रूपों के दर्शन होते हैं। तीन पिंडियां ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी के अंश हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से माता वैष्णो देवी में संपूर्ण सृष्टि की शक्ति विद्यमान है। इस सुंदर गुफा में प्रातःकाल तथा सायंकाल पिंडियों को स्नान कराकर श्रृंगार किया जाता है। इसके उपरांत पूजन व आरती होती है। ऐसा माना जाता है कि गर्भजून गुफा से निकलकर माता इस सुंदर गुफा में आ गई थी। उनका पीछा करते करते भैरव भी यहीं आ गया।
का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। हे आदिशक्ति कल्याणकारी माता, मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माता। तब भैरव के मुख से पश्चाताप करने व क्षमा मांगने पर माता का मन द्रवित हो गया। माता ने भैरव को क्षमा दान दिया, अपितु उसे वरदान देते हुए कहा, मेरा दर्शन करने वाले भक्तों की पूजा और दर्शन तब तक सफल नहीं होंगे जब तक भक्तगण तेरा दर्शन ना कर ले। माता के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन रख मनोवांछित फल पाने की कामना करते हुए अब हम भी उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां भैरवनाथ का सिर कटकर जा गिरा था। इस स्थान को भैरव घाटी कहते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के पश्चात भक्तगण कटरा के लिए चल पड़ते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा वैसे तो वर्ष भर चलती रहती है, परंतु आश्विन व चैत्र मास के नवरात्रों में दर्शन का विशेष महात्म्य है। माता की पूजा के पश्चात कन्या पूजन किया जाता है। समय समय पर भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। कटरा में भक्तों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। दैनिक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी यहाँ पर हैं। प्रसाद तथा चुनरी आदि की दुकानें वैसे तो वैष्णो देवी के मार्ग पर बनी हुई हैं। इसके अलावा कटरा में भी अनेक ऐसी दुकान यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं। माता सभी की मुरादें पूरी करती हैं। तो भक्तों प्रेम से बोलो जय माता की।